हमको ले जाना है तुरंत। सेकेंड ऑफ अगस्त, सेकेंड ऑफ अगस्त में आपने आपने किया अभी क्या ग्रुप ने भेजा है, कुछ चीज का कंप्लेन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कंप्लेन नहीं आई, मैडम बोलेगी इसलिए ये आपको आराम से बात करें पूरा। ये मैं नहीं बोलता हूँ अभी सर, लेट द यू हैव अ वन रूम दैट इज अ सिक रूम। आई गॉट अ मैसेज दैट यू डोंट हैव अ कैमरा इन दैट। कैमरा इज देयर, इज इट, इज देयर सर, is there sir, but I got a message that no, that may be what I am saying, all information I am not saying right or wrong, they are agreed for CBI, they will give the copy, written copy, so my vinti hai aap se, aap sun rahe ho, जैसे आपने डिमांड रखा है कि कोई सीएबी इंक्वायरी कराना है, हम लोग रेडी हम रिटर्न में दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके प्रथम कदम जैसे आपको पेरेंट के नाते बच्चे का प्रिंसिपल को एक लिखित में देना, आपने बोला दे दिया है, अगर है तो हम ले लेंगे सर, गेट अ प्रिंट बराबर बात होगी, कॉपी ले, बात बराबर होगी। अभी इसके बाद क्या है कि आगे के जो भी मोर्चा आप लोग कर रहे हैं तो सब बंद कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी हमारी बेटी है, उसकी इज्जत का बचाना हमारा सबका है। तो प्लीज पब्लिकली सोशल मीडिया में ऐसा मत कीजिए कुछ भी, ताकि आगे भी हमारा रेपुटेशन आपका भी हमारा भी, ये कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन भी हम दोनों एक साथ मिलकर सच्चाई को सामने करें लाएंगे, और जो भी गलती जो भी कन्विक्टेड है उसको हम सजा दिला देंगे, हम हमारे साथ आपके साथ एक बोले बस हम यही चाहते हैं, हाथ मिलाइए और हम आगे का डायलॉग कर लेते हैं फिर आप प्लीज। फादर 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 व्हेन वी शुड कम नेक्स्ट टू कलेक्ट द लेटर, व्हिच वन? The letter, like, the letter. I said yes. First, let me check. Right, and that's what I'm coming to the parent. I will come to the parent. Sumit, you have raised the issue in IKF something, now. So get a printout. So I will respond to that. This one. Also, one more thing, you can take the letter from you. Whether any complaint has come? No comment. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसने एक बड़ी बढ़िया हुए प्रोटेस्ट में आप लोग सब ने मेरा साथ दिया, क्योंकि आप लोगों के साथ तो यार ये नहीं हो सकता था, कम से कम आप लोगों का साथ मिला, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कुछ हिम्मत मुझे मिली और कुछ दबाव प्रशासन पर पड़ा कि उसके बाद उन्होंने हमें कम से कम हमारी सुनवाई करी थोड़ा सा, और हमें स्कूल में मिलने का एक मौका दिया बात करने का। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई उस वक्त भी ऐसा लग रहा है हमने जाके कि स्कूल वाले हमारा साथ नहीं दे रहे, हमने दो तीन बार कहा कि हमें आया से मिलवाओ, उन्होंने कहा मना कर दिया, डिनाई कर दिया, और अभी भी वो ये कि कह रहे हैं कि फुटेज होती है 18 दिन के बाद, जबकि सबको कह रखा है कि 30 दिन की फुटेज होती है उसके पास, ये कैसे अब डिनाई कर दिया। चलो ठीक है, वो कर दिया, सही कर दिया, आप लोगों ने हमारा जो साथ दिया हम उससे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, ठीक है। अब ये आपकी देश की इज्जत है, देख लीजिए हमारी बच्ची है, देश की इज्जत है, आप लोग प्लीज़ हमारी बच्ची के साथ आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने उसे अपनी बेटी समझा, जैसे भी है आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा। अभी भी मुझे प्रशासन से कोई ऐसी मतलब लिखित में कुछ नहीं मिला, सब बोल रहे हैं कि हाँ ये होता है सीबीआई में चलेगा, पर स्कूल वालों ने डिनाई कर दिया कि भाई ये सीबीआई में जांच हम कर देंगे या देंगे, ऐसे कोई लिख के नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद पुलिस ने भी कहा कि सीबीआई में दे देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ ऐसा होगा नहीं मुझे लगता है। फादर यहाँ तक कर गए कि जी आपने कोई कंप्लेंट नहीं, जबकि मैंने ई केयर एक कंप्लेंट दे रखी है, मेल कर रखी है, इनको वो ही नहीं मिली। अब बताइए ये समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं लोग, जानबूझ के शो नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। बस हमारी एक ही बात है कि सीबीआई की डिमांड की जाए, सीबीआई से करा जाए, और कुछ नहीं हो सकता इस केस में, और जैसे भी है कल्प्रिट को पकड़ना है बस किसी भी तरह, आप बस एक हमारा साथ है, कल्प्रिट को पकड़ना है, हमारी एक ही मांग है, यही विनती है। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जाकिया मैडम ने हमारा बड़ा हेल्प किया, न्यूज़ एडिटर जाकिया मैडम ने बहुत हेल्प किया हमारा वहाँ पे, कि किस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई कि सर फादर कैसे है, आपने ऐसे क्यों करा, आपने क्यों नहीं फोन करा इनको, इतने दिन ये परेशान रहे, आपके स्कूल से कोई नहीं गया, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी। अब बस मेरा ये इस रूप इस हमारी बच्ची को ये जो आंदोलन है ना, हम लोग बच्ची के उसकी इंसाफ के इसको कोई और रूप ना दिया जाए, कोई रिलीजियस रूप ना दिया जाए, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मिलते हैं, सिर्फ मेरी बच्ची का एक प्रोटेस्ट है, प्लीज़।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपकी बेटी के लिए आए, आप खड़े हुए प्लीज। और आपसे दरख्वास्त है, ये अब हम अगर उन्होंने हमारी नहीं सुनी और कुछ ना हुआ तो हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जिसका सब कितने लोग से हस्ताक्षर करके सब PMO ऑफिस में देंगे या आप CM साहब को देंगे और जहाँ भी ऊपर लेवल पर दे सकते देंगे, पर इस आवाज़ को दबने पर देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा परेशान था इसलिए मैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है स्कूल में, पर स्कूल वालों ने हमें सिर्फ वर्बली बोला है कि हम लोग कुछ करेंगे, वर्बली बोला है बस, कुछ मतलब ऐसा कहा नहीं कि हाँ भी होगा, कुछ फैक्ट नहीं था, उल्टा थोड़ा सा हमें थोड़ा बोला कि अच्छा जी आपने कभी नहीं किया ना, बदनाम कर रहे हैं स्कूल को, ये वो हमने कहा बदनाम नहीं करे, जिस माँ बाप के बच्चे अब देखते उसे पता लगता है क्या है, हमने इतने अरमानों से भेजा उसे वहाँ पे स्कूलों में। मेरी बेटी जब स्कूल से आई है तभी यह हुआ है, लेकिन ये पुलिस वाले ना सामने नहीं आने दे रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, बस प्लीज 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 हमारी हेल्प कीजिए, समझ नहीं आ रहा, बहुत इनोसेंट है बस प्लीज, हमने कभी ये चीज नहीं की लाइफ। थैंक यू प्लीज।